हे दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोजाना की तरह आज भी आपके लिए एक नया सेटअप ला चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग दो स्पाइडरमैन का सेटअप करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस सेटअप के लिए हम कोई भी KWGT का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शाओमी का थीम्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कौन कौन सा थीम डाउनलोड करना है। जो कि पहला थीम का नाम देख सकते हो, आपको इस थीम को डाउनलोड कर लेना होगा। सिंपल सा डाउनलोड करके आपको इसका होम स्क्रीन अप्लाई करना होगा। उसके बाद दूसरा थीम का नाम ये भी देख सकते हो, इसका नाम है ब्लैक एनिमे। आपको इसको डाउनलोड करके आपको इसका आइकन पैक अप्लाई करना होगा जो कि हमारा पहला सेटअप मैं बता रहा हूँ। उसके बाद चलिए अपने तीसरे थीम की ओर चलते हैं जो कि आपको डाउनलोड करना है, जो कि थीम स्टोर में मिल जाएगा, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम का थीम है। जो कि मैं बता दूँ ये डार्क थीम है, तो आपको डार्क मोड इनेबल करने के बाद इस थीम को अप्लाई करना होगा। देख सकते हो मैंने डार्क मोड इनेबल कर लिया हूँ। उसके बाद आपको इस थीम को अप्लाई करना होगा। आपको सिर्फ सिस्टम अप्लाई करना होगा, इतना ध्यान रखना होगा, लॉक स्क्रीन के लिए नहीं यूज़ करना इसको। दोस्तों आपको इन तीनों थीम को अप्लाई करने के बाद सिंपल सा अपने होम स्क्रीन में आ जाना है। चलिए मैं सिंपल सा अपने होम स्क्रीन में चलता हूँ और आगे का स्टेप बताता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, जब आप तीनों थीम को लगा लोगे तो कुछ ऐसे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अपने शाओमी के फ़ोन में। सबसे पहले जो आपका गूगल का विजिट होगा आपके होम स्क्रीन पर, उसको हटा देना होगा। जो फाल्टी एप्लीकेशन होंगे आपके होम स्क्रीन में, उसको भी हटा देना होगा। जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसको ही सब रखना होगा। देख सकते हो आपको सब नीचे एप्लीकेशन को रखना होगा, 5 एप्लीकेशन सिर्फ नीचे रख सकते हो, और जो क्लोज विजिट है आपको नीचे रख लेना होगा। आपको दूसरे पेज में करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको पहले वॉलपेपर दिखाता हूँ जो कि पहले सेटअप के लिए यूज़ करना है। देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खुद कस्टमाइज़ किया हूँ, ये वाला स्पाइडरमैन का वॉलपेपर है। आपको सिंपल सा अपने होम स्क्रीन में अप्लाई कर देना होगा। जितने भी डाउनलोड लिंक है मैं सारा अपने वेबसाइट पर दे दूँगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हो अब, चलिए मैं आपको लॉक स्क्रीन के लिए इस वॉलपेपर को यूज़ करना है। इसको भी मैंने खुद डिज़ाइन किया हूँ सिर्फ आपके लिए। दोस्तों आपको इस वॉलपेपर को डाउनलोड करके सिंपल सा आपको लॉक स्क्रीन में यूज़ कर लेना है। अगर आपको कोई और थीम मिलता है जो स्पाइडरमैन का है, लॉक स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मैंने दोनों अप्लाई कर दिया। उसके बाद होम स्क्रीन में आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बहुत ही ईजी सेटअप है, जो कि देखने में थोड़ा आसान लगता है और थोड़ा यूज़ भी आसानी से कर सकते हो। जो दूसरा पेज होगा उसमें से जो फालतू एप्लीकेशन होंगे उसको हटा देना होगा, और क्लोज विजिट की जगह आइकन्स को रख देना होगा। इसके आइकन पैक्स को देख सकते हो, जब अपने फ़ोन में करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आइकन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे जो कि आपको एक बार पसंद आएगा। चलिए मैं आपको दूसरे सेटअप के लिए वॉलपेपर दिखाता हूँ जो कि आपको डाउनलोड करना है, जो कि ये वाला है। आपको दोनों वॉलपेपर का लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ होम स्क्रीन पर बड़े साइन से। सबसे पहले जो आपका क्लोक विजिट होगा होम स्क्रीन में, सबसे पहले इसको ऊपर कर देना होगा। देख सकते हो मैंने ऊपर कर दिया हूँ। ये अपना दूसरा होम स्क्रीन का सेटअप है इसके लिए। चलिए मैं आपको आइकन पैक दिखाता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो इसको यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आता तो चलिए मैं आपको दूसरा आइकन पैक दिखाता हूँ जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो थीम स्टोर में मिल जाएगा। आप इस थीम का नाम देख सकते हो। आपको इसको डाउनलोड करके आपको सिंपल सा सिर्फ इसका आइकन पैक अप्लाई करना होगा। देख सकते हो मैंने आइकन पैक अप्लाई कर दिया हूँ। अब चाहे तो जो दूसरा होम स्क्रीन का वॉलपेपर है उसको थोड़ा एडजस्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसा देखेगा जो कि देखने में थोड़ा यूनिक लगता है, थोड़ा इजी सेटअप है जिसको आप बड़े आसानी से अपने शाओमी या रेडमी या पोको के फ़ोन में बहुत आसानी से कर सकते हो। जितने भी डाउनलोड लिंक है मैं सारा नीचे दे दूँगा, वेबसाइट पर जाके मेरा डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। चलिए आप इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका नोटिफिकेशन पैनल भी देख सकते हो आप, जो कि स्पाइडरमैन का वॉलपेपर लगा हुआ ऊपर, जो देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। मैं पहले ही बता देता हूँ ये डार्क सेटअप है, तो आप इसको डार्क मोड इनेबल करना होगा सेटअप के लिए। आपको सेटिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो। अगर मेरे फ़ोन में अभी शाओमी का फ़ोन डायलर नहीं है तो उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में शाओमी का फ़ोन डायलर है तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद चलिए मैं आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ। उसके पहले आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम वाला कुछ ऐसा दिखेगा जो कि ब्लूइश में है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो कि हमने लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर यूज़ किया था कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अभी लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर यूज़ किया हूँ वो देख सकते हो। अगर और आपको वॉलपेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का चैनल का नीचे दिया हुआ है लिंक, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्पाइडरमैन के वॉलपेपर दिया हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, कुछ ऐसा सेटअप था। अगर आपका सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग सेटअप की वीडियो लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर।